सो माई क्वेश्चन टू टैरो इज, क्या वो आपको याद करते हैं? ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं या जानना चाहते हैं कि क्या ये व्यक्ति आपको याद करते हैं, क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं। वन कार्ड रीडिंग होने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिलेगा हमें। लेट्स चेक, क्या वो आपको याद करते हैं? एंड द कार्ड यू हैव गॉट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। वाओ, यू आर ए वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी इन दिस पर्सन्स लाइफ। ये एक बहुत ही स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर का कार्ड है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप एक फीमेल वॉचिंग है। आपको ये याद करें या ना करें, लेकिन आपको भुलाया नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति आपसे अगर अपनी लाइफ में एक बार मिले तो वो आपको एटलीस्ट भूल तो नहीं सकता है। एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर के तौर पर ये आपको याद करता है। पहले आपके क्वेश्चन का, सवाल का जवाब, क्या वो आपको याद करता है? डेफिनेटली यस, फॉर श्योर, बिल्कुल 101% ये व्यक्ति आपको कभी भी नहीं भूले हैं। और आपकी आपकी पर्सनैलिटी की एक, या फिर आपके साथ उनके उनका जो इंटरेक्शन हुआ, उसकी एक बहुत अमिट छाप उनके मेमोरी के ऊपर डेफिनेटली है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो आपको याद करते हैं तो किस तरीके से याद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की पर्सनैलिटी है, आप कैसे किस तरीके से वो आपको याद करते हैं, तो ये कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो इमेज आपकी उन्होंने अपने माइंड में बना रखी है, एक काफ़ी पॉजिटिव इमेज बना रखी है। वो ऐसे समझते हैं कि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत ट्रूथफुल पर्सन हो, हाईली इंटेलिजेंट, मे बी आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लिखे हुए हो, या किसी बहुत अच्छी हायर ऑफिसर रैंक ग्रेड पर जॉब पर आप हो, या फिर कोई बहुत अच्छे बिजनेस ऑनर आप हो, बहुत अच्छे बिजनेस रन करते हो, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हो जो किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं करता, इमोशनली काफ़ी वो ऐसे समझते हैं कि आप इमोशनली आप उनसे काफ़ी डिटैच हो। उनको ऐसा लगता है कि आप गलत चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप सीधे सीधे कई बार ब्लंटली जवाब दे देते हो। एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के तौर पर वो आपको याद करते हैं। आपकी इंटेलिजेंस से वो काफ़ी प्रभावित हैं। आप ओपन माइंडेड हो, काफ़ी रूढ़िवादी नहीं हो, काफ़ी अडप्टेबल हो आप चीज़ों के प्रति, मतलब जल्दी सीख जाते हो चीज़ें, जल्दी अडप्ट हो जाते हो, ये भी वो आपके बारे में सोचते हैं। एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से किसी न किसी तरीके से कट आउट कर दिया है, या आपने किसी तरीके से बाउंड्री खींच दी है, या आप बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दे रहे अपनी लाइफ में, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे दोबारा से अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो आप उनको, ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हैं। अब वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि अगर उनको आपके साथ अगर लाइफ में बने रहना है, या आपकी आपकी गुड बुक्स में अगर उनको रहना है, तो उनको अपने खुद के अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपके साथ में एक लोअर मेंटालिटी, लोअर स्टैंडर्ड्स के साथ आपके साथ नहीं रहा जा सकता है। और अगर आपके साथ में कुछ गलत होगा तो आप उसके लिए डेफिनेटली वॉइस उठाओगे, और उस समय पे आपको कन्फ्रंट करना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आप अपने अधिकारों के लिए काफ़ी जागरूक हो। आपको अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। हो सकता है उन्होंने आपको शुरुआत में कुछ माइंड गेम्स आपके साथ खेले, कुछ चीटिंग किया हो, बट नाउ यू आर वेरी मच अवेयर, इसलिए दोबारा से आपके साथ में मैस करने की उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हो सकता है कि आपने एक बार वार्निंग देके इस पर्सन को छोड़ दिया हो, लेकिन वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि दोबारा गलती की संभावना आपके साथ में भारी पड़ेगी। तो फॉर श्योर ये व्यक्ति आपको याद करते हैं। और आपके लिए उनके माइंड में एक ऐसा स्पेशल प्लेस है जहाँ पर वो
जब बिल्कुल अकेले रहते होंगे, अपने विचारों में बिल्कुल अकेले रहते होंगे, तब वो आपको पोर्ट्रे करते होंगे इस तरह की क्वीन एनर्जी के रूप में। कभी कभी वो काफी अमेज्ड भी हो जाते होंगे कि हाउ कम कि आप जैसा पर्सन ने उनको आप मिल गए, आपने उनको ध्यान दिया, आपने उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जबकि वो आपको डिजर्व भी नहीं करते थे। इस तरह की चीजें भी कुछ लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं आपके बारे में। वो तो हमारे क्वेश्चन का बहुत ही सही सही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिला है, क्या वो आपको याद करते हैं? बहुत अच्छे से याद करते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं और बहुत हाईलाइट में आपको याद करते हैं, एक रेस्पेक्टफुल कैरेक्टर की तरह वो आपको याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता और खुशियां पा सकूं और परेशान रहती थी। और दूसरे लोगों को जब जिंदगी आराम से जीते हुए देखती थी, सोचती थी कि मैं इनकी तरह खुश क्यों नहीं रह सकती। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद रास्ता मिला, एक उम्मीद मिली, एक ऐसा तरीका मिला जिससे अगले 2 ही सालों में मैंने वो सब चीजें हासिल कर ली जो पाना मेरा कभी सपना था। और उसी तरीके को कोर्स के फॉर्म में मैं लेकर आई, माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स के जरिए। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना खोजा हुआ तरीका है। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, इस कोर्स को लेने वाले सभी लोगों का मानना है जिनके रिव्यूज लगातार मेरे चैनल पर चलते रहते हैं और अभी वीडियो के बाद आपको सुनने को मिलेंगे। मेरे इस कोर्स को करने के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है, तो क्या आप भी मेरे इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आज ही रजिस्टर करवाइए माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स में। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप एक कम्प्लीटली फुलफिल्ड लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितने दुखी, उदास, असफल और निराश हैं। बस अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल आइए और ज्वाइन कीजिए ये कोर्स, क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आशा की वो सुनहरी किरण है जो आपके जीवन को अंधेरों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है। ये कोर्स इस समय यूनिवर्स आपके सामने लेकर आया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए नहीं बने हैं, आप इससे कहीं अधिक के हकदार हैं। अब आप भी इस कोर्स के जरिए एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आपकी लगातार की गई प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और ये कोर्स आपको एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस के रूप में प्राप्त हुआ है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आपके पास पैसे पूरे नहीं है, या आप हमेशा लाइफ में लव प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ऐसा आखिरकार आपके साथ क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी समस्याओं के पीछे का मूल कारण क्या है? जब तक आप अपनी समस्याओं से सिर्फ छुटकारा पाते रहना चाहते हैं, भागते रहना चाहते हैं और समस्या के मूल कारण को नहीं हटाना चाहते हैं, तब तक आपकी समस्या से आपका छुटकारा नहीं हो सकता। मेरा ये कोर्स आपकी समस्या के मूल कारण को हटाता है। और अब जबकि ये कोर्स आपके सामने है, क्या आप अब भी अपनी समस्याओं से भागते रहना चाहते हैं या परेशान होते रहना चाहते हैं, या अपनी समस्याओं के मूल कारण को ढूंढकर उसे दूर करना और एक सुनहरे जीवन का निर्माण करना चाहते हैं? ऑब्वियसली आप एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं, और अगर आप इस अच्छे जीवन को अभी से बनाना शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए इस वक्त आपके पास में है माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अभी व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी लीजिए और मेरे आने वाले नए बैच में अपने आप को एनरोल करवाइए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब भक्ति की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं,
तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती है वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। पुनिया विश्वकर्मा ने आपकी ही YouTube पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये पुनिया का जो चक्रा हीलिंग का सेवन चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।